नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यामिनी राय। यामिनी, आज मैं आपको समकालीन कलाकार के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ा चुके थे पहले बंगाल शैली के आर्टिस्ट। बंगाल शैली के आर्टिस्ट जितने भी मैंने पढ़ाए हैं वो सब आप देखेंगे तो काफ़ी हैं, और जो बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो इम्पोर्टेंट मैं आपको टेलीग्राम में डालने वाली हूँ, किस में से क्या आएगा और उसमें जो भी कुछ रह गया है वो सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब मैं आज से आपको करा रही हूँ समकालीन कलाकार। समकालीन कलाकार वे आधुनिक कलाकार, साथ में आधुनिक कलाकार भी चलेंगे। सबसे पहले मैं समकालीन कलाकार में आज हम पढ़ेंगे यामिनी राय को। यामिनी राय, यामिनी राय का बहुत बड़ा महत्व है। इनका जन्म देखेंगे 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को हुआ था। जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलिया तोड़ या बांकुरा जिला, पश्चिमी बंगाल। स्थान पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और प्रभावित, ये लोक कला से प्रभावित थी, लोक कला से प्रभावित, लोक कला से प्रभावित। और दूसरी प्रेरणा ली कलकत्ता के कालीघाट पट चित्रों से। प्रेरणा ली इन्होंने, प्रेरणा ली थी, प्रेरणा ली कलकत्ता के कालीघाट चित्रों से। किससे प्रेरणा ली? कलकत्ता के कालीघाट चित्रों से। जन्म देखेंगे 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को, पश्चिमी बंगाल में, लोक कला से प्रभावित, और प्रेरणा ली थी कलकत्ता के कालीघाट चित्रों से। इन्होंने माध्यम, इनका माध्यम था टेम्परा, टेम्परा माध्यम में चित्र बनाए। और कलर कैसे यूज किए थे? अगर रंगों की बात की जाए या चित्र बनाए तो जो प्रयोग किया था इन्होंने चटक रंगों का किया था, प्रयोग चटक रंगों का, चटक रंगों का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है, चित्र बनाए थे। एक प्रश्न आता है, ईसा के जीवन पर सबसे ज्यादा चित्र किसने बनाए थे? चित्र बनाए ईसा के जीवन पर, ईसा के जीवन पर चित्र किसने बनाए? जीवन पर चित्र बनाने वाले कलाकार यामिनी राय। श्रृंखला थी इनकी मां और शिशु, श्रृंखला मां और शिशु। कौन सी श्रृंखला थी इनकी? मां और शिशु। अब आगे देखेंगे, मैं बता रही हूं थोड़ा सा और, थोड़ा जल्दी से करा देती हूँ इसको, आगे नेक्स्ट आर्टिस्ट में लेकर आऊंगी क्योंकि समय नहीं है। सुरक्षित, देखिए माँ और शिशु जो चित्र है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली, नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब इसके आगे बात आती है, देखिए ये सहायक निर्देशक थी मेल स्कूल ऑफ आर्ट, सहायक निर्देशक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की सहायक निर्देशक कब से कब तक रही? 1929 से 1936 के बीच में। कब से
कब तक? 1929 ईस्वी से 1936 के मध्य में सहायक निर्देशक के पद पर, इनको पद्म सम्मान भी दिया गया था 1955 ईस्वी में, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा पद्म सम्मान, पद्म भूषण 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा। जो मेरी बुक आने वाली है, नई एक दो दिन में आने वाली है, उसमें मैंने सब पद्म भूषण पद्मश्री सब सम्मान डाले गए हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रवाद कलाकार थी, राष्ट्रवादी कलाकार। कैसी कलाकार थी? राष्ट्रवादी। तो ये तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा सिंपल सा है। इनको भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय कला का पैगंबर, इनको भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आता है, भारत का पिकासो, तो इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है, भारत का पिकासो। और एक चीज और मैं यहाँ पर समझा देना चाहती हूँ, इनकी मृत्यु पहले मैं लिखा देती हूँ, भारत का पिकासो इनको कहा जाता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में। देखिए, भारत का पिकासो एक आर्टिस्ट को और कहा जाता है, जिनका नाम है MF हुसैन। इनके बाद उनको आधुनिक कलाकार में अगर हम देखते हैं तो MF हुसैन को कहा जाता है भारत का पिकासो। और उससे पहले अगर नाम आता है तो यामिनी राय को क्या कहा गया है? भारत का पिकासो कहा गया है। तो दोनों को ही भारत का पिकासो कहा गया है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको MF हुसैन को चूज करना होगा। ठीक है, तो ये तो थी आज जो बात की है मैंने समकालीन कलाकार पर। मैं एक और आर्टिस्ट लेकर आऊंगी कल आपके सामने, गगनेंद्रनाथ। हम गगनेंद्रनाथ पर चर्चा करेंगे, और राजा रवि वर्मा, क्योंकि राजा रवि वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ पहले उनको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम गगनेंद्रनाथ लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।